भारतीय किसान संघ के बैनर तले दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली का आयोजन किया गया है, जिसके तहत देश के अलग अलग राज्यों से किसान पहुंचे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से यहां पे किसान पहुंचे हैं। भारतीय किसान संघ की तरफ से इस रैली का आयोजन किया गया है। MSP को लेकर साथ ही साथ केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए ये रैली भारतीय किसान संघ की तरफ से बुलाई गई है। कई राज्यों से यहाँ पे किसान पहुंचे हैं। कहां से आप लोग आए हैं यहां पे? राजस्थान से आए हैं सर। क्या आप लोगों की मांगे हैं MSP की बात? मांगे ये है कि हमारा समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। फसल जो है किसान उत्पादन करता है उसका बाजार भाव है, किसान तय नहीं करता है। ये हमें समझ में नहीं आता है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु जब कोई कंपनी बनाती है तो वो मालिक तय करता है, जबकि किसान की कोई भी वस्तु की कीमत किसान तय नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? हमारा समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, हमको लाभकारी मूल्य मिलना। आप लोग MSP की मांग कर रहे हैं, इससे पहले भी किसानों ने दिल्ली में धरना दिया था, सरकार को झुकना पड़ा था, अब आप लोगों को क्या उम्मीद है? सरकार ने कहा है कि MSP को लेकर कमेटी काम कर रही है। काम कर रही है लेकिन उसका कोई काम हुआ नहीं है साहब, स्पष्ट काम हुआ नहीं है पूरा। कमेटी का गठन सरकार ने किया था, आप लोगों को उम्मीद है कमेटी? उम्मीद तो जब काम होगा तभी कर सकते हैं कि हमारी सरकार सुने, हमारी मांग को माने तो हम मान सकते हैं कि हमारी उम्मीद पूरी हो, लेकिन अभी तक तो सरकार ने कोई सुनी नहीं किसी की, हमारे संगठन ने तो अभी तक नहीं सुनी है। क्या आप लोगों को लगता है कि सरकार आप लोगों की बात, जब पिछली बार आप लोगों ने आंदोलन किया था तो सरकार बकायदा प्रधानमंत्री ने संदेश दिया था, इस बार किसी तरह की उम्मीद लग रही है? बिल्कुल, पूर्ण विश्वास है हमारे को मोदी जी पे कि किसानों की जायज मांगे हैं वो पूरे करेंगे, ये हम वादे के साथ किसानों को भरोसा दिया है। और किसानों, मोदी जी ने कहा है हमारी कमेटी निर्णय करेगी, बिल्कुल आपकी मांगे हैं वो पूर्ण करेगी, पूर्ण विश्वास है हमारे। तो यहाँ पे जो किसान पहुंचे हैं उनका कहना है कि MSP को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी तो बनाई गई है, लेकिन अभी तक MSP को लेकर कोई समाधान नहीं निकला है, इसलिए इन किसानों को एक बार फिर भरोसा है कि इनकी जो मांग है वो केंद्र सरकार मानेगी, और इसीलिए ये दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे हैं ताकि अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुंचा सके। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।